शेफ टीचर फादर आ गए। आज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ क्लास मैट्रिक के लिए, फाइंड द अननोन वैल्यूज ऑफ द गिवन ट्रायंगल। उसकी अननोन वैल्यूज वन करनी है गिवन ट्रायंगल की। इन प्रीवियस लेक्चर मैंने आपसे डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट, आज मैं उसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट डिस्कस करूंगा कि हाउ टू फाइंड द वैल्यूज एंड एंगल्स। ठीक है, तो दिस इज द ट्रायंगल। ट्रायंगल के अंदर हमारे पास तीन वैल्यूज होती हैं, एंगल डी, तीन एंगल्स होते हैं, एंगल डी, एंगल ई, एंगल एफ। एंगल ई इज गिवन, जो बॉक्स में होता है वो समझ जाओ क्या है, 90 के इक्वल है। किसके इक्वल है? 90 के इक्वल है। और डी इज नॉट गिवन, एफ इज नॉट गिवन। ठीक है, 90 के सामने आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है हमेशा, हाइपोटेन्यूज। 90 के सामने क्या होता है हमेशा, हाइपोटेन्यूज होता है। एंगल के सामने उसका परपेंडिकुलर, एंगल के सामने डी का, डी के एंगल के सामने डी का परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, और 90 के सामने क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। और डी की बेस क्या हो गई, ये डी की बेस हो गई। ठीक है, डी का परपेंडिकुलर डी की बेस में लिखना यहाँ पे, डी डी की बेस और डी का परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, डी का हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टैन। टैन क्या है, पागल भी है बावला भी है। ठीक है, वी नो दैट टैन थीटा, टैन एंगल बी पागल अपॉन बावला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टैन जो है पागल बावला दोनों है, टैन जो है पागल है, कॉस जो है बावला है, मतलब बावला है मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड टैनजेंट थीटा इज एंगल D is perpendicular upon base. D की perpendicular क्या आपके पास, D की perpendicular 2 root 3, अब base क्या हो गई, 2 हो गई, 2 and 2 cancel। ठीक है, D tan inverse root 3, tan inverse root 3 इसके इक्वल होता है बेटा, tan इनवर्स रूट 3 इज इक्वल टू 45 डिग्री होता है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, ओके, अगर यूज कैलकुलेटर, अगर आपका कैलकुलेटर है तो वहां से फाइंड कर लें, अगर कैलकुलेटर नहीं है टेबल के अंदर गिवन होती है सारी, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके, हाँ देखो tan रूट 3 कहाँ पे आंसर आ रहा है आपका, tan 60 पर आ रहा है, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 डिग्री। रूट 3 कहाँ पर आता है, टैन 60 डिग्री पर आता है, तो टैन डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 डिग्री। ठीक है, हमने टैन थीटा से हमें क्या मालूम कर लिया, डी का एंगल मालूम कर लिया। ठीक है, नाउ चेक कर लिया करंट मान सही आ रहा। ठीक है, नाउ फाइंड एंगल एफ। ठीक है, एंगल एफ हम कैसे मालूम करेंगे, हमने फर्स्ट मालूम किया हमने एंगल डी विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला ऑफ टैन इस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, जो कि याद करने के लिए मैंने आपको बताया पागल बावला दोनों है। ठीक है, पी मीन्स पागल, बी मीन्स बावला, पी से परपेंडिकुलर और पी से बेस। नाउ नेक्स्ट एंगल फाइंड करना, एफ सम ऑफ ऑल एंगल, एंगल ई प्लस एंगल एफ प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ई कितना है आपके पास, एंगल ई is 90, angle F, we have to find angle F, angle D is 60, 180, 60 plus 90, 150, 180 same, 150 plus का है, तो वहाँ जाए क्या होगा, minus का, angle F कितना मिल गया आपको, 30 degree, TT, ठीक है, एंगल एफ आपको मिल गया 30 डिग्री। ठीक है, नाउ आपको क्या मालूम करना है, साइड ऑफ एंगल ई, साइड ऑफ एंगल एफ गिवन है, साइड ऑफ एंगल डी गिवन है। तो जब भी दो साइड गिवन होती है तो क्या यूज करते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, यानी कि ई स्क्वायर ए स्क्वायर क्या है, टू का स्क्वायर ले लें, और बी स्क्वायर क्या है, टू रूट थ्री का स्क्वायर ले लें। ई स्क्वायर सेम आ गया, टू टू द फोर हो गया,
फाइंड कर ली विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। जब भी आपके पास दो साइड्स गिवन पहले ही होती हैं तो वहां से एंगल मालूम कर सकते हैं जैसे मैंने किया। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन आज का। इंशाल्लाह आपको समझ में आया होगा, आप समझिएगा, जरूर प्रैक्टिस करें। और जो क्वेश्चन आपको समझ में मैंशन नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ मैंशन करें ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। इंशाल्लाह इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस फर्दर। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट ऑल्सो। अल्लाह हाफिज़।